राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कटिहार के एक निजी होटल में सामाजिक संस्था द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर आंखों की रोशनी खो चुके बच्चों के बीच उन लोगों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने कहा कि आगे इन बच्चों को बढ़ने के लिए जो भी मदद की जरूरत हो सरकार और उनके स्तर पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। वही संस्था के कर्ताधर्ता पम्मी चौधरी ने कहा कि लगातार उनके संस्था द्वारा ऐसे बच्चों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। मेरी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारे पम्मी चौधरी जी लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए थे सरकार होटल में, हम लोग गार्जियन चौधरी जी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी माथुर जी सभी लोग उपस्थित थे और उसमें दिव्यांग भाइयों के बीच में कम्बल वितरण किया गया है और इनके लिए और भी जो चीज़ें हैं किन्हीं को कुछ जो जरूरत थी जैसे मोबाइल में गाना सीखने का उनको है दिव्यांग बहन को एक तो उसको मोबाइल में प्रोवाइड करने का काम हम लोग करेंगे। दिव्यांग के लिए जो करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। आज 3 दिसंबर राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है जिसके ये सरकार होटल में मनाया जा रहा है। इस दिन दिव्यांगों के बेहतर स्थिति के लिए यानी दिव्यांग को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। बल्कि दिव्यांग को क्या सोच तो हम सबको बदलनी है कि हम दिव्यांग के प्रति अपनी सोच बदले, उनके साथ भेदभाव न रखे, उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखे। जो उनको कभी कोई दिक्कत है, कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनको देखे, उनके साथ मित्रवत व्यवहार किए, क्योंकि वह शरीर से दिव्यांग है अपने मन से नहीं। जो इंसान अपनी सोच से दिव्यांग है, मैं असल मायने में उसे ही दिव्यांग समझती हूँ। भगवान ने एक अंग छीना है बल्कि उसे उसके अपेक्षा उसमें इतने सारे गुण भर दिया। अभी आप देखे होंगे हमारे प्रोग्राम में कितनी नेत्रहीन बच्चियाँ सब कितना अच्छा इससे गाना गाई और सबको मंत्रमुग्ध कर दी। तो ये सब उसके अंदर की छिपी हुई कला है। हमारी संस्था प्रतिज्ञान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका मकसद यही है कि हम मेरे जो दिव्यांग भाई बहन है उसके अंदर जो छिपी हुई कला है। आज दिव्यांग दिवस के अवसर पे ये गायन प्रतियोगिता था जिसमें बहुत सारी बच्चियों ने भाग लिया और बहुत अच्छे अच्छे सब प्रोग्राम किए। हमारे जो मंचासीन थे वो बहुत खुश हुए इस प्रोग्राम से और उन लोगों को भी हिम्मत अब जारी हुई कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। पम्मी चौधरी, राष्ट्रीय सचिव प्रतिज्ञान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन।